हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जो मॉडल सेट बना हुआ है सॉल्यूशन तो 30 तक हो चुका है। अब बात करेंगे हम लोग 30 वाले से। 30 नंबर सवाल देखते हैं। जैसे कि सवाल देखते हैं, सवाल दिया हुआ क्या है। सवाल आपका है 30 नंबर 1। देखिए सवाल दिया हुआ है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x²/9 माइनस y²/16 इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें बोला है कि इसेंट्रिसिटी बताइए। क्या बताइए? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बताना है कि x²/9 माइनस y²/16 दिया हुआ है बराबर कितना, 1। तो आप लोग जानते हैं कि हाइपरबोला जो होता है दो तरह का होता है। हाइपरबोला कितना होता है? दो तरह का, जिसमें कि जो सवाल दिया हुआ आपका, सवाल ले लेते हैं। सवाल दिया हुआ है कि x²/9 माइनस y²/16 इक्वल टू कितना, 1। तो होता है कि कोई भी अगर हाइपरबोला का सवाल दिया हुआ है, ठीक है, तो हर एक टर्म को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं। मतलब x²/3² माइनस y²/4² इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, x के नीचे वाले टर्म को बोलते हैं a, a मतलब 3 हो गया, और y के नीचे वाला क्या बोलते हैं, a इक्वल टू 3। बाकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c/a, e बराबर होता है c/a। तो इसके लिए आपको क्या है कि c निकालने का फॉर्मूला होता है कि c इक्वल टू √a² + b² c इक्वल टू कितना होता है, a² + b², इसको फाइंड कर लीजिए और a आपका दिया हुआ है, तो c बराबर हो जाएगा √a² e कितना है 3, 3² 9 प्लस b² b कितना है आपका 4 है, 4² 16, यानी कि c इक्वल टू 9 और 16 कितना 25, यानी कि c बराबर कितना हो गया 5। अगर इसेंट्रिसिटी का बात किया जाए तो फार्मूला होता है c/a, और c का वैल्यू दिया हुआ है 5/a बराबर कितना 3। ये हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, ये हो गया आपका। अब आगे आते हैं 32 नंबर सवाल। देखिए सवाल दिया हुआ आपका कि द पॉइंट -1 -3 -3 लाइज इन द, ये दिया हुआ है 3D पिक्चर का। ठीक है, सवाल दिया हुआ है 3D, कहने का मतलब है कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जो भी एक्सिस, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जो भी एक्सिस था उसमें था x एक्सिस और क्या है y एक्सिस। बाकी जब 11th में आ गए तो आपको 3 वे एक्सिस मिलेगा, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। और आप लोग जानते होंगे कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। हर एक के बीच में कितना, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यही बोला है। जैसे कि मान लीजिए चार वो टर्म बनता है, जैसे x और y को मिलाकर के क्या घर बनता है, चार घर बनता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो उसी तरह से जब तीन वो क्वाड्रेंट होता है, मतलब तीन वो एक्सिस होता है, तो तीन एक्सिस मिलकर के आठ वो घर बनाता है। आठ वो घर बनाता है उसको बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। तो ऑक्टेट बनाने के लिए हमको देखते हैं, पहले ऑक्टेट बना लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग बनाते हैं ऑक्टेट। ये आपका हो गया एक्स, वाई, जेड। ये हो गया आपका फर्स्ट घर, ये हो गया आपका सेकेंड घर, ये हो गया थर्ड घर, ये हो गया आपका फोर्थ घर, ये हो गया क्या चीज, फिफ्थ घर, ये हो गया सिक्स, ये हो गया सेवन, और ये हो गया आपका एट। ठीक है, अब इस घर को कैसे भरते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि 10th क्लास में पढ़े होंगे कि होता है x एक्सिस और क्या होता है y एक्सिस। तो पढ़े होंगे कि फर्स्ट घर में होता है प्लस प्लस, फर्स्ट घर में क्या होता है प्लस प्लस, सेकेंड घर का बात किया जाए तो होता है माइनस प्लस, थर्ड घर में माइनस माइनस, और फोर्थ घर में बात किया जाए क्या चीज, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो जो आपका 10th क्लास में जो पढ़ चुके हैं वही टर्म को पहले इसमें फिलअप करेंगे, उसके बाद जो है आगे का फॉर्मूला देखते हैं। पहले देखिएगा बोला है कि जो फर्स्ट घर दिया हुआ आपका, फर्स्ट घर में रखना है प्लस प्लस, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, मतलब एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस दिया हुआ आपका। अब आगे देखते हैं दूसरा घर में दिया हुआ है माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ तीसरा घर में माइनस माइनस, माइनस माइनस, फोर्थ घर में क्या दिया हुआ है प्लस माइनस, फोर्थ घर में क्या है प्लस माइनस। अब क्या करना है आपको कि इसी टर्म को दोबारा लिख देना, इसी टर्म को क्या करना है दोबारा, दोबारा किसे लिखना है, तो दोबारा देखिएगा कि शुरू शुरू में है आपका प्लस प्लस, फिर सेकेंड में आपका माइनस प्लस, फिर थर्ड घर में आपका माइनस माइनस,
फोर्थ का क्या आपका प्लस माइनस। इस तरह से लिखने के बाद अब बात आता है कि जेड एक्सिस में क्या होता है, तो जेड एक्सिस में आपको क्या करना है कि जो इस चारों टर्म में खाली दिया हुआ है आठ टर्म, तो आठ टर्म में क्या करना है कि चार में अपने से प्लस कर दीजिए और चार में कर दीजिए क्या चीज माइनस माइनस। तो इससे पता चल गया कि किस घर में क्या क्या होता है। जैसे अगर बात किया जाए आपका जो सवाल दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ था क्या चीज कि माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये किस क्वाड्रेंट में है, मतलब किस ऑक्टेंट में है या किस अष्टांश में है। इसका मतलब है कि तीनों टर्म जो है मतलब एक्स वाई जेड तीनों जो है माइनस में है, और माइनस 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 के बाद क्या है कौन सा घर हो गया आपका सेवेंथ घर, मतलब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मतलब सप्तम अष्टांश यानी कि सेवेंथ। बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर सवाल दिया हुआ है कि किसी वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का छोर दिया हुआ है, एक छोर का है क्वाड्रेंट मतलब पॉइंट दिया हुआ है 1, -2, -3 और दूसरे पॉइंट दिया हुआ है 2, -3, 5 तो बोल रहा है कि इसका साइड निकालिए, क्या निकालिए साइड। साइड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले देखिए पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट जो दिया हुआ है पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं कि ए आपका दिया हुआ है 1, -2, -3 ए दिया हुआ है आपका, बी दिया हुआ है आपका बी दिया हुआ है 2, -3, 5 ठीक है, ये दिया हुआ है डायगोनल, क्या दिया हुआ है आपका डायगोनल। तो डायगोनल समझते हैं कि डायगोनल इस टर्म में होता है, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी और क्या चीज डी। तो अगर डायगोनल बात करें तो हो जाएगा ए सी, इसका कहने का मतलब है कि आप हो जाएगा क्या चीज सी ए और सी। अगर ए और सी अगर डायगोनल दिया हुआ है तो फार्मूला इसमें होता है, फार्मूला क्या होता है तो फार्मूला आपका दिया हुआ है, फार्मूला होता है कि डायगोनल इक्वल टू एस इंटू रूट टू, एस मतलब होता है साइड। अब आता है कि डायगोनल कैसे फाइंड होगा, ये तो क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो डायगोनल मतलब हो गया कि यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का रूल होता है कि रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पर रख देना है। यानी कि d इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 में से 1 गया तो कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 में से माइनस 2 जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा क्या चीज माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया कितना 2 का स्क्वायर। यानी कि अगर d का बात करें तो d बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि d आपका कितना हो गया रूट 6, रूट 6 हो गया। आपको क्या निकालना है s निकालना है, तो s बराबर कितना हो जाएगा d बाई रूट 2 यानी कि s इक्वल टू d, ये कितना हो गया रूट 6 और बटा में कितना रूट 2। इतना जानते हैं कि 2 को अगर रूट दिया हुआ है तो एक रूट लिख सकते हैं आप यानी कि 2 3 जा मतलब s बराबर कितना हो गया रूट 3 मतलब साइड आपका कितना हो गया रूट 3 हो गया रूट 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर हो गया रूट 3 यानी कि ऑप्शन हो गया डी। अब आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ 34 नंबर सवाल दिया हुआ आपका, 34 नंबर सवाल दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स, साइन टू एक्स तो एफ डैश पाई बाई सिक्स, डैश मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डैश मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, मतलब इस सवाल में बोला जा रहा है कि एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और डिफरेंशिएट करने के बाद जो है उस टर्म में आपको पाई बाई सिक्स रखना है तो पाई बाई सिक्स रख देंगे। पहले सवाल लिखते हैं, सवाल दिया हुआ आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स और बोला है कि एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए, एफ डैश एक्स मतलब होता है डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन में क्या करना है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos 2x और x के बगल में जो डिजिट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
बाकी आपसे सवाल पूछा है कि जो आपका एफ डैश एक्स आया है उसमें एक्स की जगह पाई बाई सिक्स रख दीजिए। कितना रख देना है? पाई बाई सिक्स, मतलब पाई बाई सिक्स रख दीजिए। दो इंटू कोस इंटू टू, और टू के बगल में दिया हुआ है पाई बाई सिक्स, मतलब टू से कट जाएगा कितना? थ्री बार, यानी कि टू इंटू कोस कितना हो गया? पाई बाई थ्री, यानी कि हो जाएगा टू इंटू कोस पाई बाई थ्री, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू, यानी कि कितना? टू बाई रूट थ्री। बैठे हुए किया रोको भैया, रोको नहीं चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 34। 30 नंबर सवाल दिया हुआ, 34 नंबर सवाल, सवाल को देखते हैं। सवाल आपका दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है कि एफ एफ एक्स इक्वल टू साइन ए टू एक्स, और साइन टू एक्स का बोला है कि देन एफ डैश पाई बाई सिक्स। डैश मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डैश मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो बोला है कि डिफरेंशिएशन करके और पाई बाई सिक्स रख दीजिए। डिफरेंशिएशन करना हो क्या रखना है? पाई बाई सिक्स। अब सवाल पे आते हैं, सवाल हम लोग पहले लिखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, और आपसे पूछा है कि एफ डैश पाई बाई सिक्स, एफ डैश पाई बाई सिक्स। डैश मतलब होता है क्या चीज? डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस टू एक्स, अब एक्स के बगल में टू है तो टू से हो जाएगा मल्टीप्लाई, टू से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब आते हैं इस पे सवाल देखते हैं, देखिएगा एफ डैश एफ डैश एक्स दिया हुआ है, डैश एक्स कहने का मतलब है कि जो डैश है डैश में एक्स की जगह रखना है पाई बाई सिक्स, यानी कि एफ डैश पाई बाई सिक्स इक्वल टू टू इंटू कॉस कॉस ई दिया हुआ है टू इंटू एक्स की जगह कितना रखना है पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स। अगर पाई बाई सिक्स दिया हुआ है तो टू से इसको काट दीजिए, यानी कि थ्री हो गया। अगर एफ डैश एक्स का बात किया जाए तो एफ डैश पाई बाई सिक्स इक्वल टू टू इंटू कोस कोस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री यानी कितना? 60 डिग्री। अगर कोस में 60 डिग्री है यानी कि साइन 30 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 1 बाई 2, कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना? 1 बाई 2, और 2 से कैंसिल यानी हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर भी आपका 1। अब आगे देखते हैं सवाल, सवाल नंबर हो गया आपका 35। 35 नंबर सवाल दिया हुआ आपका कि लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 अब बड़ा करो, मैं बड़ा कहने करता है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है, 35 नंबर सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 1, x का पावर 15 माइनस 1 बटा में x माइनस 1, इसका डायरेक्ट रूल होता है। डायरेक्ट रूल क्या होता है पहले देखिए, रूल देखते हैं। रूल होता है लिमिट का कि लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर n माइनस 1 बटा में x माइनस 1, अगर इस तरह से लिमिट रहेगा तो x के पावर में जो टर्म रहेगा वही आंसर हो जाएगा, x के पावर जो रहेगा वही क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कहने का मतलब है कि आपका सवाल दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू कितना? 1, x की पावर 15 माइनस 1 बटा में x माइनस 1, इसमें आप देख सकते हैं कि पावर में कितना दिया हुआ है? 15, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15, जो पावर में रहेगा वही आंसर हो जाएगा, पावर में आपका 15 है यानी कि 15 नंबर, यानी कि 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नंबर। आगे देखिए, आगे नंबर सवाल आते हैं, आगे सवाल दिया हुआ आपका, आगे सवाल दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो भी आपका डिफरेंशिएशन से है। डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है कोस एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स, कोस एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स, और इसको बोला है कि डिफरेंशिएट कीजिए किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है तो हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन के
डिफरेंशिएशन में क्या किया जाता है कि y मान लिया जाता है, क्या मानते हैं y मानते हैं। तो पहले हम लोग y मान लेते हैं कि y बराबर दिया कितना है, तो y बराबर दिया हुआ है आपका क्या चीज cos x बटा में 1 प्लस sin x, cos x बटा में 1 प्लस sin x। अब बोल रहा है कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं। ये किस रूल से बनेगा, ये फार्मूला होता है u / v, किस फॉर्मेट से बनेगा u / v, मतलब कोई भी अगर टर्म कोई भी सवाल दिया हुआ u / x के रूप में u / v, u / v होता है कि v du / dx, du / dx माइनस u dv / dx बटा में क्या चीज v का स्क्वायर। मतलब है कि नीचे वाला को छोड़ दीजिए ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, अब ऊपर वाला को छोड़ दीजिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, अब बटा में क्या हो जाएगा नीचे वाला का स्क्वायर। यही फॉर्मेट से जो है, यही फॉर्मेट से, इसी फॉर्मेट से ऊपर वाला सवाल बनेगा। जैसे देखिए डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy / dx इक्वल टू, कह रहा है कि नीचे वाला को छोड़ दीजिए 1 प्लस sin x, sin x को छोड़ दीजिए, अब बोल रहा है कि ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कीजिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, माइनस sin x, और बीच में होता है माइनस, बीच में क्या होता है माइनस। अब cos x को छोड़ दीजिए, cos x को छोड़ दीजिए, अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो 1 का होता है 0 और cos sin x क्या चीज cos x, sin x का cos x, ये हो गया डिफरेंशिएट। अब बटा में क्या करते हैं, तो नीचे वाला होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस sin x का क्या चीज होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर हो जाएगा, यानी कि cos sin x दिया हुआ है sin x से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस sin x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस sin x, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x, फिर माइनस से गुणा कर लीजिए cos में तो हो जाएगा क्या चीज cos स्क्वायर x, और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपका 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, माइनस sin x को छोड़ दिए और ये दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लीजिएगा, जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म प्लस हो जाएगा, मतलब sin स्क्वायर x प्लस में और cos स्क्वायर क्या चीज प्लस में, तो 10th क्लास में रूल होता है कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है, यानी कि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस sin x और हो जाएगा क्या चीज माइनस 1 बटा में 1 प्लस sin x का क्या चीज होल स्क्वायर। अब दोनों टर्म में से माइनस ले लीजिए, दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 और प्लस क्या चीज sin x बटा में कितना 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब जानते हैं कि एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका, मतलब आंसर हो जाएगा माइनस 1 बटा में 1 प्लस sin x, ये हो जाएगा आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, y बराबर cos x, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइनस 1 बटा में 1 प्लस sin x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं सवाल, आगे सवाल दिया हुआ आपका 37 नंबर, दिया हुआ है कि इफ द वेरिएंस 37, इफ द वेरिएंस ऑफ ए गिवन डाटा 144 देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा विल बी, मतलब कह रहा है कि वेरिएंस अगर दिया हुआ है किसी भी डाटा का 144, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, यानी कि मानक विचलन बताइए आपका, इस कोई भी आंकड़ा है, आंकड़ा का प्रसरण दिया हुआ 144 और आपसे पूछ रहा है कि मानक विचलन निकालिए, यानी कि मानक विचलन, इसका पहले फार्मूला देखते हैं, फार्मूला बेसिस सवाल दिया गया है, फार्मूला क्या होता है कि जो भी आप वेरिएंस लिखते हैं, कोई भी आप मानक विचलन लिखते हैं, क्या लिखते हैं मानक विचलन, ठीक है मानक विचलन, या इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब SD, SD बराबर होता है रूट अंडर वेरिएंस, यानी किसी को बोलते हैं प्रसरण, क्या बोलते हैं प्रसरण, तो आपका प्रसरण दिया हुआ है,
दिया हुआ है, प्रसरण यानी कि वेरिएंस, वेरिएंस वेरिएंस कितना दिया हुआ है 144। तो अगर वेरिएंस दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट प्रसरण, क्या होता है रूट प्रसरण, यानी कि रूट अंडर 144 कर दीजिए, रूट अंडर 144 यानी कि अगर एसटी निकलेगा कितना निकलेगा 12, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 12। अब आगे देखते हैं, आगे जो सवाल दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी से, किस चैप्टर से है प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है कि ए लीप ईयर, लीप ईयर में आप लोग जानते होंगे कि लीप ईयर में होता है 366 डेज, ठीक है। अगर सिंपल का बात किया जाए तो सिंपल में होता है 365। तो यहाँ आपसे पूछा है क्या चीज, लीप ईयर, तो लीप ईयर में अगर बात किया जाए तो लीप ईयर में बात किया जाए तो यहाँ देखिएगा दिया हुआ है कि 53 संडे और 53 मंडे भी दिया हुआ है, 53 संडे और क्या दिया हुआ है 53 मंडे। तो अगर हम लोग देखते हैं 366 डेज दिया हुआ है, इसमें क्या होता है कि अगर बात किया हम लोग जानते हैं कि एक साल में होता है 52 सप्ताह, कितना होता है 52 सप्ताह यानी कि 52 वीक, ठीक है। और उसमें जो है दो दिन एक्स्ट्रा चला जाएगा, दो दिन क्या चला जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। यही दो दिन का हम लोग का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का सवाल हो तो उसमें एस फाइंड किया जाता है, एस को बोलते हैं सैंपल स्पेस, क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो हम लोग सैंपल स्पेस पहले फाइंड कर लेते हैं, सैंपल स्पेस होगा क्या थी? तो सैंपल स्पेस हमेशा जोड़ा में बनाना है, जोड़ा में क्या बनाना है कि आप एगो लेना है संडे और मंडे, तो उस तरह से इसमें लेना है। तो एगो लिखेंगे कि आपका संडे हो गया और ये क्या हो गया मंडे हो गया, ठीक है। दूसरा जोड़ा लेंगे तो हो जाएगा मंडे, फिर हो जाएगा ट्यूजडे, ठीक है। अगला लेंगे तो हो जाएगा कि ट्यूजडे, फिर कितना वेडनेसडे हो जाएगा, फिर आगे टर्म लेंगे तो हो जाएगा वेडनेसडे, फिर क्या हो जाएगा थर्सडे, फिर क्या हो जाएगा थर्सडे, हो जाएगा फ्राइडे। इसी तरह से टर्म को लेते जाना है, आपका हो जाएगा फ्राइडे, फिर हो जाएगा सैटरडे, फिर हो जाएगा क्या थी सैटरडे, फिर हो जाएगा संडे, तो संडे तक आएगा बस हो गया। यानी कि टोटल अगर एस का बात किया जाए, टोटल नंबर ऑफ एस टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया 7। अब ए फाइंड करेंगे, पी ए, पहले ए ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ए ऑब्जर्वेशन और बी ऑब्जर्वेशन, दो ठे ऑब्जर्वेशन लेना है। क्योंकि आपसे देखिएगा सवाल पूछा है, आपसे क्या सवाल पूछा है, सवाल दिया हुआ है कि 53 संडे और 53 मंडे, और का यूज किया गया है, और मतलब होता है क्या चीज यूनियन, मतलब संडे भी होना चाहिए और क्या चीज मंडे भी होना चाहिए। तो इसमें दो को आपका पॉसिबिलिटी बनता है, एक संडे के लिए और क्या चीज मंडे के लिए। तो एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग ए मान लेते हैं और एक ऑब्जर्वेशन को बी मान लेते हैं। अब इस पे आते हैं हम लोग, तो ए मान लेते हैं कि संडे के लिए, किसके लिए संडे के लिए। तो जो जो जिस जिस में संडे है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो संडे देखिएगा इसमें है, यानी कि एस यू एल संडे, और ए हो गया क्या चीज मंडे, एक टर्म हुआ और एक आपका संडे हो गया। यहाँ पे लास्ट लास्ट में देखा जाए तो सैटरडे संडे हो गया, सैटरडे और संडे, ठीक है। अगर बी का बात किया जाए तो बी में बोला है कि मंडे लेना है, तो मंडे कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा संडे मंडे, और एक हो जाएगा ऑब्जर्वेशन क्या चीज मंडे ट्यूजडे, मंडे ट्यूजडे दोनों टर्म हो गया। अब दोनों टर्म लेते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो कॉमन ये दोनों में कॉमन क्या चीज आ रहा है, तो इसमें आपका आ रहा है संडे और मंडे, यानी कि संडे और मंडे एक टर्म हो गया। अब तीनों का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दीजिए, तो तीनों का जब प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिएगा, यानी कि अगर ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड किया जाए तो ए में ऑब्जर्वेशन का वो है 2 गो, और टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब एन एस कितना है 7। अगर बी का फाइंड किया जाए तो बी में कितना है, बी में 2 है, तो हो जाएगा कितना 2/7। अगर ए इंटरसेक्शन बी में बात किया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना टर्म दिया हुआ है, वो एक दिया हुआ है, एक टर्म यानी कि 1/7। और आपसे पूछा है कि ऑब्जर्वेशन निकालिए और, क्या निकालिए और, तो और मतलब होता है यूनियन, और एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि आपसे और पूछा है सवाल, और मतलब या, तो और मतलब यूनियन फाइंड कीजिए, तो ए यूनियन बी फाइंड करना है। इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए
इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूला पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है पी ए कितना है, पी ए बराबर हो जाएगा 2/7 और पी बी हो जाएगा 2/7 और माइनस में कितना 1/7। एलसीएम अगर ले लिया जाए तो 7 और 2 और 2 कितना 4 और माइनस 1, 4 में से मान के कितना 3/7। ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आगे सवाल। आगे सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल। 39 और 40 नंबर सवाल दोनों टर्म जो है इन्हीं दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी से। 39 नंबर सवाल देखते हैं, ये बोल रहा है कि ये क्वाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वाइन ले लेते हैं। क्वाइन आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि किसी सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक क्वाइन है उसको 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि 2 गो हेड ऐसा ऐसा आपको चूज करना है जिसमें केवल 2 गो हेड नजर आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो पहले ये देखना होगा कि अगर एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल संभावना कितना बनेगा। तो अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 प्रोबेबिलिटी होता है हेड और टेल। उसी तरह से अगर 3 बार उसको उछालते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है 8। तो होता किसे है, उस टर्म को देखते हैं, फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी सिक्का को उछालते हैं तो उसका टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसको बोलते हैं एनएस। क्या बोलते हैं, एनएस। अगर एनएस का बात किया जाए, एनएस, तो आप किसी भी क्वाइन को उछालते हैं तो होता है कि 2 का पावर n, 2 का पावर n। एन मतलब होता है कि उसको कई बार उछाला गया है। तो आप अभी देखें कि 3 बार उछाला गया है तो 2 का पावर 3, यानी कितना बार उछाला गया, 8 बार उछाला गया। अब बोल रहा है कि अगर 8 गो उछाला गया है तो आपको पहले बनाना होगा, एस बनाना होगा कि वो 8 जो है कौन कौन होगा, 8 कौन कौन होगा। तो इसका सरल सा नियम है बनाने का, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास आया 8 गो, अगर 2 गो पॉइंट उछालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो हर एक टर्म में क्या करना है कि आधा करते जाना है, 8 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो 4 आएगा, तो कहने का मतलब कि 4 गो पहले हेड लिख दीजिए, 4 गो पहले हेड लिख देना, फिर 4 गो आपको टेल लिखना है, 4 गो क्या लिखना है, टेल, 4 गो टेल लिख दिए। अब 4 के अधिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब है कि 2 को हेड लिख दीजिए और 2 गो टेल लिख दीजिए, 2 को हेड लिख दीजिए, 2 को हेड और 2 को टेल लिख दीजिए, फिर 2 को हेड लिखिए, फिर 2 को टेल लिखिए। अब क्या करना है, इसका भी अधिया करेंगे कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब है कि ए को हेड लिखिए तो ए को टेल लिखिए, ए को हेड लिखिए फिर ए को टेल लिखिए, फिर ए को हेड लिखिए फिर ए को टेल लिखिए, फिर ए को हेड लिखिए फिर ए को टेल लिखिए, फिर ए को हेड लिखिए फिर ए को टेल। और 1 का हाफ नहीं होगा, क्योंकि हाफ करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि टर्म को हम लोग नहीं लिख सकते। इतना टर्म हो गया। अब इतना टर्म ने आपसे सवाल पूछा था कि ऐसा टर्म का आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऐसा टर्म का निकालना है जिसमें कि 2 गो हेड हो, 2 गो टेल हो, 2 गो क्या हो, टेल हो। तो 2 गो टेल इसमें ऑब्जर्व कीजिए किस किस में है, कहते हैं कि 2 टेल जो है किस किस ऑब्जर्वेशन में आया है, ठीक है। तो 2 गो अगर टेल का बात किया जाए, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं 2 टेल्स अगर बात करें तो देखिएगा 2 गो टेल किसमें है, तो इसमें 2 गो टेल है, इसमें भी 2 गो टेल है, इसमें भी 2 गो है, 2 से ज्यादा भी है, मतलब 1 टर्म और 2 टर्म क्या हो गया, 3 टर्म। तो हो गया टोटल कितना 3, ठीक है। और टोटल ऑब्जर्वेशन का बात किया जाए तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 8, यानी कि 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो कितना ए हो गया ऑप्शन नंबर। और सवाल नंबर 40 में आते हैं। सवाल नंबर 40 में दिया हुआ आपका सवाल कि सवाल बोला जा रहा है कि एक पासा है, 2 पासा दिया हुआ है, 2 गो लूडो का पासा है, ठीक है। दोनों पासा को उछाला जाता है, बोल रहा है कि 2 पासे को एक साथ उछालने पर उसका योगफल देखना है, सम देखना है कि दोनों टर्म को मिलाकर के जोड़ने पर 10 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 10। तो पहले आपको टोटल ऑब्जर्वेशन करना होगा,
अगर आप किसी पासा को उठाते हैं तो उसका टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब एन एस फाइंड करेंगे, तो एन एस के लिए होता है 6 का पावर एन, यानी कि 6 एन मतलब होता है कि कितना बार उसको उछाले हैं। तो उसको उछालने का फॉर्मूला होता है कि आप दो बार उछाले हैं तो 6 का पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अब 36 जो है लिखना होगा कि कौन कौन आया, कौन कौन आया। तो आप लोग जानते हैं कि 1 है तो 1 के साथ आएगा, 1 है 2 के साथ, 1 है कितना 3 के साथ, इस तरह से आएगा कितना 1 जो है 6 के साथ, इस तरह से टर्म आएगा। फिर अगर 2 का बात करें तो हो जाएगा 2 1, फिर हो जाएगा क्या चीज 2 2, इस तरह से आएंगे तो कितना 2 का पावर 6। अब 3 में आएंगे तो 3 का पावर 1, ठीक है 3 का पावर 2, इस तरह से यह आ जाएगा कितना 3 का पावर 6। अब 4 में आएंगे तो 4 का 4 1, 4 2 आएगा, इस तरह से फिर कितना आएगा, फिर आ जाएगा कितना 4 और 6, 4 और 6। अगर 5 में आएंगे तो 5 1, 5 2, इस तरह से आएंगे तो 5 5 भी मिलेगा और कितना मिलेगा 5 6, ठीक है। अगर 6 में आते हैं तो 6 1 मिलेगा, 6 2 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट, फिर मिलेगा 6 4, फिर कितना मिलेगा 6 5, फिर कितना मिलेगा 6 6। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, ठीक है, जिसमें दोनों का सम जो है 10 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 10। तो आप देख रहे हैं कि एक में हाईएस्ट गया 6 तक, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी कि एक वाला में कोई नहीं होगा। अगर 2 वाला में चलते हैं तो 2 का हाईएस्ट 2 और 6 है, इसको जोड़ेंगे तो 8 होगा, उसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं फोर्थ वाला में, फोर्थ वाला टर्म में आप देखिएगा तो फोर्थ में देखिएगा 4 और 6 ये हो गया 10, मतलब एक ऑब्जर्वेशन हो गया। पांच वाला में देखेंगे तो 5 और 5 ये भी 10 हो गया, ठीक है, यानी कि 1 1 कितना 2। अगर 6 वाला में देखेंगे तो 6 और 4, यानी कि आपका 3 ऑब्जर्वेशन आता है, एक 4 6, एक होता है 5 5, तो कितना 6 4, ये दोनों टर्म को जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 3 हो गया, और टोटल कितना है आपके पास ऑब्जर्वेशन, टोटल टर्म हो गया आपके पास 3, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना 36, काट दीजिए यानी कि 1 बटा में कितना, ये हो गया आपका ये टर्म बात, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ऑप्शन का बात किया जाए, ठीक है, 1 बटा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर। तो इस वीडियो में इतना ही, आपका जो मॉडल सेट है पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।